आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। सासाराम की सड़कों पर लोजपा के प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर किया हल्ला बोल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साजिश के तहत जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को अपने फायदे के लिए बन जाना चाह रहे हैं, जो रोहतास जिले में 2 सीट मौका और सासाराम भाजपा का था, वह भी जदयू के नाम पर कर दिए। वह चाहते हैं कि बीजेपी छिन्न भिन्न हो जाए, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं और हम 30 वर्ष तक बीजेपी में मुख्य रूप से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे। हमें उस समय काफी दुख हुआ जब मुझे पार्टी ने इस लायक भी नहीं समझा कि मैं चुनाव लड़ सकूं। इधर जदयू के नीतीश कुमार बीजेपी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, क्योंकि जदयू के लुटेरे आ गए हैं, सब कमल को लूट लूट कर तीर बना रखे हैं। सभी ने तय कर लिया है कि आपके कमल वाले लोग किसी भी हालत में तीर को वोट नहीं देंगे, और भाजपा के भी लोग समझ गए हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, लड़ने का मेरा मुख्य कारण है। हमारे नोखा और सासाराम के लोगों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़ चुकी, लोजपा और भाजपा का केंद्र में अटूट बंधन है, तो आप लोजपा से भी लड़ेंगे तो आप भाजपा ही कहलाएंगे। इसी कारण हमें मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा, जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन सासाराम की सड़कों पर आकर देखिए, कोई विकास नहीं हुआ है। बरसात, गलियों में पानी लगा रहता है, सड़क जाम रहती है, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, मैंने माना कि मुख्यमंत्री जी ने दारू को बंद कराया, लेकिन यह दारू भी तो उन्होंने ही खुलवाया था गांव-गांव में। लेकिन दारू बंद होने के बाद भी आज भी पूरे बिहार में शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, जो 10 रुपए का काम होता था अब वह 500 रुपए में हो रहा है। सड़क सरकार का राजस्व घट रहा है, मास्टरों का वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, फिर भी सरकार अलाप रही है, हम विकास कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब दारू बंद हुई थी तो पहली दारू जदयू के नालंदा के अध्यक्ष के घर में से ही पकड़ी गई थी, फिर भी नीतीश कुमार खामोश रखे। लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया सासाराम में घूम घूम कर नीतीश की वादा खिलाफी बातें लोगों से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या यही विकास है। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। अरे भाई, गठबंधन है तो दुनिया जानती है, आप पूछेंगे तब, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जनता उसको नहीं मानती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको नकार दिया है। मेरे नॉमिनेशन में सारे कार्यकर्ता थे और आज भी कोई कार्यकर्ता जदयू के पास जाने को तैयार नहीं है कि 5 साल काम वो करता है और चुनाव आने पर हमारा सिंबल मुख्यमंत्री लूट लेता है, हम उसके खिलाफ। तो सर ये बताइए सर, बीजेपी जो है सर, ये उनसे पूछिएगा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमें तो एलजेपी के बारे में पूछिए। नहीं, हमने जनता की बात आपको बता दी, मेरा काम नहीं। विकास के जो कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, 6 महीना के अंदर कहीं भी रोड पर जाम आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी धूल उड़ता नहीं मिलेगा, और 2-3 साल के अंदर सासाराम चमकने लगेगा, आपको ऐसी गलियां नहीं मिलेगी, कहीं जल जमाव नहीं मिलेगा, ये मैं सासाराम निवासियों को वादा दिलाता हूँ।